Hello students, very good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Welcome to our SS video class. Okay, so student, as we all know that our revision is running, okay? Students, in the previous video, we already revised chapter number 5. Get it? So now, in this video class, we are going to start chapter number 6 and 7. Okay? Let's start. Okay, so student, first of all, everyone take out your SS textbook, chapter number 6, the food we eat. Okay, the food we eat, as we all know that food is very important for our life. Why? Because we can't live without food. We all eat food when we feel hungry. Okay, so student, we take three times of meal in our day. Okay, first one is a breakfast that we eat in morning. Second one is lunch, we eat in afternoon. Third one is dinner, we eat it in night. Okay, we eat different types of vegetables, fruits, curry, salad. Okay, so we eat different types of food in our different days. Okay, so student, we also eat salad. Okay, salad means what? Cold dish of mixed raw vegetables is called a salad. Okay, so student, we should always eat a healthy food. We should never eat junk food like pizza, burger, है ना? हम सबको junk food वो नहीं खाना चाहिए. हमें क्या खाना चाहिए? Always healthy food ही खाना चाहिए. तो healthy food में क्या क्या आता है? Fruit से, vegetables से, सारी things से वो किसमें include होती है? Healthy food में include होती है, ठीक है? So we always eat a healthy food, okay? So that's why हमारा जो regular routine है उसमें हमें किसकी habit डालनी चाहिए? Healthy food लेने की, okay? So हम milk भी ले सकते हैं ना? अब milk हमें कहाँ से मिलता है? We get milk from cows, buffaloes, goat, है ना? ये सारे animals से वो हमें क्या देते हैं? Milk देते हैं. Milk है वो complete food है. ठीक है, इसलिए हमें डेली मिल्क है वो लेना चाहिए. एंड मॉर्निंग के अंदर हमें ऑलवेज लाइट मिल्क ही लेना चाहिए. मॉर्निंग के अंदर हमें हैवी मिल्क लेना चाहिए नहीं. ओके, सो देन हम बात करते हैं ग्राउंड इन सोयल. ओके, सो स्टूडेंट, एज वी ऑल नो दैट सम ऑफ द वेजिटेबल्स आर ग्राउंड इन सोयल. सो ग्राउंड इन सोयल में कौन सा वेजिटेबल्स है? सच एज ऑनियन, पोटेटोस, कॉलीफ्लावर, बीन्स, है ना? ये सारे जो वेजिटेबल्स है वो ग्राउंड इन सोयल है. ओके, सो देन नेक्स्ट वन वी विल टॉक अबाउट वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. अब दो सिंपल आर ईट ओनली एंड ओनली वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बट डोंट ईट मीट इज कॉल्ड अ वेजिटेरियन पर्सन, है ना? और दोज हु आर ईट वेजिटेबल फ्रूट्स एंड मीट ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन. ओके, वंस अगेन, दोज पीपल आर हु ईट ओनली एंड ओनली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड वेजिटेरियन. एंड दोज हु आर ईट मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ओके, इज कॉल्ड अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन. गेट इट? सो स्टूडेंट, यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि वी शुड ऑलवेज फॉलो बैलेंस डाइट. हमें बैलेंस डाइट को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए, ओके, ताकि हमारी लाइफ है वो हेल्दी रहे. वी शुड ऑलवेज अवॉइड चिप्स, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड. ओके, सो इफ वी ईट लॉट्स ऑफ जंक फूड सो वी विल ग्रो फैट, है ना? सो दैट्स वाई वी हैव टू मेंटेन आवर सेल्फ एंड वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड लाइक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. ओके, सो डोंट फॉरगेट दैट हमें ऑलवेज कैसा खाना चाहिए? हेल्दी फूड ही खाना चाहिए, ठीक है? तभी हमारी सेहत है वो अच्छी रहेगी. गेट इट? सो स्टूडेंट, ये हुआ हमारा रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 6. अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 7. तो स्टूडेंट, जैसे ही फूड है वो इम्पोर्टेंट आवर लाइफ है, ऐसे ही इस तरीके से वाटर है वो भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट. वी कांट लिव विदाउट वाटर.
ओके वी ऑलवेज ड्रिंक वाटर व्हेन वी फील थर्स्टी. ओके हम ऑलवेज पानी पीते हैं. जब कब पीते हैं? जब हमें प्यास लगती है ना. सो हम वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर है ना. वी विल डाई इफ यू डोंट गेट वाटर टू ड्रिंक है ना. अगर हमें वाटर पीने के लिए नहीं मिलेगा तो हम वी विल डाई. ओके बट हम रेन वाटर है उसको डायरेक्टली पी सकते नहीं. ठीक है वाई? बिकॉज वो जंग से भरा हुआ होता है. अब अगर रेन वाटर हम डायरेक्टली नहीं पिएंगे वाई? बिकॉज इट इज अ नॉट क्लीन. ओके सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सो रेन वाटर को हम बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग करेंगे. अब बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग है वो क्या है? बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग है वो वाटर क्लीनिंग करने की मेथड है. टू मेथड ऑफ क्लीनिंग वाटर. फर्स्ट वन इज बॉइलिंग, सेकेंड वन इज फिल्टरिंग. ओके बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग है वो वाटर को क्लीन करने की मेथड है. ओके वी मस्ट ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर अदरवाइज वी विल फेल इल. अब बॉइलिंग किसको बोलते हैं? अ प्रोसेस वेयर बाय जर्म्स इन द वाटर आर किल्ड ऑफ हीटिंग. जब पानी बाय हीटिंग, जब पानी को गर्म करने से जितने भी जर्म्स है वो सारे के सारे जर्म्स है वो मर जाए उसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग बोलेंगे. फिल्टरिंग में क्या होता है? प्रोसेस विच कैन क्लीन वाटर बाय रिमूविंग इम्प्योरिटीज. जो प्रोसेस है जहाँ पे इम्प्योरिटीज है वो सारी की सारी क्लीन हो जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? फिल्टरिंग बोलेंगे. ओके सो बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग से क्या होता है? द जर्म्स इन द वाटर डाई एंड वाटर बिकम फिट फॉर अ ड्रिंकिंग है ना. सो फिर है वाटर फिल्टर. ओके स्टूडेंट वाटर फिल्टर है वो हमारे घर के अंदर भी होता है. अब किचन के अंदर वाटर फिल्टर होता है वो किससे कनेक्टेड होता है? टैप से होता है. किससे कनेक्टेड होता है? टैप से होता है ना. सो वाटर कनेक्टेड हमारे स्कूल के अंदर भी होता है वो वाटर कूलर से कनेक्टेड होता है. ठीक है एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट द वाटर इन अ क्लीन कंटेनर एंड कीप इट कवर. जब भी हम वाटर लेते हैं पानी का पीने का पानी हम भरते तब हमें उसको किस में भरना चाहिए? क्लीन कंटेनर में ही भरना चाहिए. ओके सो द वाटर डज नॉट गेट पॉल्यूटेड. गेट इट? सो स्टूडेंट ये हुआ हमारा चैप्टर नंबर 6 and 7 का रिविजन. अब हम करेंगे इन आवर वर्कशीट. ओके सो स्टूडेंट एज यू ऑल नो दैट इन वर्कशीट पेज नंबर 10 इज ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस वीडियो. ओके सो नाउ टेक आउट पेज नंबर 11 असेंबली एंड फंक्शंस आर हेल्ड इन द क्लासरूम. ट्रू या फॉल्स? फॉल्स. वी कैन गो टू सिनेमा हॉल फॉर शॉपिंग. हम शॉपिंग करने के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं. यस या नो? नो है ना. शॉपिंग करने के लिए तो हम मॉल में या मार्केट में जाते हैं. दिस दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. सो वी हैव टू राइट डाउन योर फॉल्स. टेप वाटर इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. टेप वाटर इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. नो इज नॉट मेन सोर्स ऑफ वाटर. कौन सा वाटर है वो मेन सोर्स ऑफ वाटर है? रेन वाटर. रेन वाटर इज मेन सोर्स ऑफ वाटर. सो हियर वी हैव टू ऑल्सो राइट डाउन एफ. देन रामायण इज द होली बुक ऑफ पारसीज. रामायण है वो पारसी का होली बुक है. नो इज नॉट ट्रू इट्स अ फॉल्स. सो वी हैव टू राइट डाउन हियर एफ. गेट इट? नाउ नेक्स्ट वन इज अनस्क्रैम्बल वर्ड्स. अनस्क्रैम्बल वर्ड से उसमें आपको क्या करना है? अनस्क्रैम्बल वर्ड है उसमें आपको उल्टे सुलटे वर्ड्स दिए होंगे उसमें से आपको जो राइट स्पेलिंग बनता है उसमें वो लिखना है. ठीक है सो फर्स्ट वन है स्पेलिंग कौन सा है? आई एस वाई आर ओ टी एच. ओके दिस इज द स्पेलिंग ऑफ हिस्ट्री. ओके सो वी हैव टू राइट डाउन योर हिस्ट्री.
This is a spelling of history. Okay, you have to write down like this, history. Now, next one is D U R O G N Y A P L. यानी कि playground. Okay, try spelling है वो कौन सा है? Playground है. Okay, so we have to write down here playground. Okay. Spelling of playground is P L A Y Playground. Done. Then next one is E A R L H T R E. Okay. अब ये spelling है वो किसका spelling है? Leather का है. किसका है? Leather का. Okay. So spelling of leather is A E A T H E R leather. Done. Then next one is E L C O H T S यानी कि क्लोथ. इट्स सो इजी. ओके, सो यहाँ पे क्लोथ का स्पेलिंग क्या है? C A L O T H E S क्लोथ. डन. देन H Y U R N G यानी कि हंग्री. ओके, सो दिस इज द स्पेलिंग ऑफ हंग्री. ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर हंग्री. हंग्री का स्पेलिंग है H U N G R I हंग्री. गेट इट. Then next one है R W E A T यानी कि water. W A T E R तो water है. W A T E R water. Then है S N P O S A यानी कि सीजन. ओके, सो स्पेलिंग ऑफ सीजन इज S E A S O N यानी कि सीजन. डन. देन नेक्स्ट वन इज डबल E P T M L यानी कि टेम्पल. ओके, सो वी हैव टू राइट डाउन हियर टेम्पल. T E M P L E टेम्पल. डन. देन नेक्स्ट वन इज L F I S T A V E यानी कि फेस्टिवल. ओके, सो स्पेलिंग ऑफ फेस्टिवल इज F E S T I V A L festival. And then last one is O D O F food. F double O D. Okay, so student यहाँ पे हमने revision page number 11 and 12 किया in our revision sheet. ओके, आपको भी क्या करना है? सेम एस सी डब्ल्यू है.
वो आपको घर से करना है और रिविजन भी करना है. ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.